और इसी के साथ लखनऊ से इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं। नवयुक्त कन्या महाविद्यालय में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। फॉर्म जमा करने आई छात्राओं की लंबी लाइन लगी। लाइन के बीच में देखा जा सकता है कि छात्राएं एक दूसरे के से बिल्कुल सट के खड़ी हैं और कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा। छात्राओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया और कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से भी कहीं पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए स्टूडेंट्स के बीच में नहीं देखा गया। महाविद्यालय में फॉर्म जमा हो रहे हैं और फॉर्म जमा करने के लिए भारी मात्रा में लोग लाइनों में खड़े हुए और इन लाइनों में कहीं पर भी लोग एक दूसरे में, आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए। उचित दूरी पर खड़े होने को, उचित दूरी पर रहने के लिए हिदायत दी जा रही है तमाम सरकारी विभागों की तरफ से, लेकिन इस तरीके से ऐसी महामारी के बीच सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। मयूर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मयूर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो गर्ल्स पहुंची हुई हैं कॉलेज में वो एक दूसरे से एकदम सट के खड़ी हैं लाइनों में। सोशल डिस्टेंस तो बहुत दूर है, यहाँ पर कई लोग मास्क भी लगाए हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से लापरवाही जो जगह जगह पर बढ़ती जा रही है, फिर आखिर कैसे सरकार कंट्रोल कर पाएगी कोविड को? हिना जी, बिल्कुल, देखिए आपने साफ तौर पे जो कहा कि जो लापरवाही है बढ़ती जा रही है स्कूलों कॉलेजों के द्वारा, वो साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नवयुग कन्या महाविद्यालय जो है लखनऊ के राजेंद्र नगर में स्थित है, साफ तौर पर निर्देश जारी हुए हैं कि कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा, जो भी पढ़ाई लिखाई होगी ऑनलाइन होगी, अपने घरों में होगी। लेकिन नवयुग महाविद्यालय जो है, कन्या महाविद्यालय, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है, सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। और तस्वीरें जो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक कैसे लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है और किसी ने मास्क भी नहीं लगाया है। तो ये काफी चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने है कि किस तरीके से सरकार लगातार, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद टीवी पर आकर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लोग दूर दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन जो स्कूल कॉलेज है, महाविद्यालय है, तमाम तरीके की इस तरीके की तस्वीरें जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि लोग खुद ही नहीं चाहते इस महामारी से बचना और उनको सिर्फ अपना बिजनेस दिखाई दे रहा है, उनको सिर्फ अपनी आगे की जो फ्यूचर है वो दिखाई दे रहा है, उसके तहत लोग काम कर रहे हैं और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये महामारी कितनी ज्यादा तरीके से फैल रही है और किस तरीके से इसका प्रकोप है। लेकिन जो साफ तौर पर तस्वीरें हैं बिल्कुल चिंताजनक है और इस पर देखने वाली बात होगी कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई। फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, ये किस तरीके का फ्यूचर है जहां पर अगर जान ही नहीं रहेगी तो किस तरीके की फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं? अस्पताल और इसके अलावा जिस तरीके से लोग एक दूसरे से सट के खड़े हो रहे हैं, क्या कॉलेज के प्रशासन से, कॉलेज के मैनेजमेंट से किसी तरीके की कोई बातचीत हो पाई? वो क्यों नहीं रोक रहे, उन्होंने सारे इंतजाम क्यों नहीं करके रखे? और अगर बच्चियों को उन्होंने स्कूल में बुलाया फॉर्म जमा करवाने के लिए तो एक पैटर्न उन्हें बनाकर रखना चाहिए था और ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जितने लोग आ रहे हैं वो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल हिना जी, आपने कही कहा, मैंने जो आपको बात बताई कि फ्यूचर की बात, ये छात्र छात्राओं के फ्यूचर को सोच ही नहीं रहे, ये अपने फ्यूचर को सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले लें, ज्यादा से ज्यादा फीस जमा हो जाए और फिर से निरंतर जैसे पहले इनका कॉलेज चलता था वैसे चलने लगे, सिर्फ ये फीस जमा करने के लिए और जो अर्निंग्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ये फैसला लिया है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है और जो उनके प्रशासन के, जो महाविद्यालय के प्रशासन है, उनसे बात करने की हमने कोशिश की, पहले तो उनका फोन नहीं उठा और जो फोन था तो उस पर कोई भी जिम्मेदार आदमी बोलने को तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि वो गलत काम कर रहे हैं, तभी वो इस पर बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हमारे पास, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सामने है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जो महाविद्यालय है, जो कॉलेजेस है, जो मैनेजमेंट है, उनको बिल्कुल भी बच्चों की परवाह नहीं है, उनको उनके परिवार की परवाह नहीं है। अगर किसी एक भी छात्रा को उसमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हुए, कुछ हुआ, तो सैकड़ों लोगों में ये फैल सकता है, लेकिन महाविद्यालय को इससे कोई मतलब नहीं है, बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपने फ्यूचर से मतलब है। ना तमाम जानकारियों के लिए मयूर, शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के नवयुग कॉलेज से, जहां पर ये साफ देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए और जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं इससे आने वाला समय बयां हो रहा है और पता चल रहा है कि कोरोना केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे और ये तमाम आंकड़े जो है वो सरकार के हाथ से भी निकल जाएंगे।